हेलो एवरीवन, हम सिलॉजिज्म को डिस्कस कर रहे थे कि कैसे बगैर वेन डायग्राम बनाए सिलॉजिज्म के बड़े से बड़े सवाल को विद इन 10 सेकेंड्स हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो अब तक मैंने ये डिस्कस किया था कि कैसे हम दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्शन की क्या कंडीशंस होती हैं। उसके बाद मैंने बताया था ईदर और केस क्या होते हैं, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। फिर हमने पॉसिबिलिटी के केसेस को डिस्कस किया था और लास्ट में मैंने बताया था ओनली एंड ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट्स को हम सिलॉजिज्म में कैसे डील करते हैं। सो इन चारों वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। नाउ इस वीडियो में हम वो सवाल डिस्कस करेंगे जो कि बैंक एग्जाम और SSC CGL CHSL MTS में आ चुके हैं, और इन सवालों को कराने का पर्पस ये है कि मोस्टली सवाल में कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज हुए हैं। सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं वो मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था कि जनरली हम सिलॉजिज्म में चार स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, ऑल, नो, सम एंड सम नॉट, राइट। लेकिन अगर ऑल की जगह ये सारे वर्ड्स यूज हो जाएं तो वो उस स्टेटमेंट को हम ऑल की तरह ही डील करते हैं। सिमिलरली नो के लिए सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या हैं, दिस, एंड इन द सेम वे सम और सम नॉट के लिए सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं ये, राइट। सो सिंस हम सिलॉजिज्म को बगैर वेन डायग्राम बनाए डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके लिए एक जेन्युइन सजेशन है कि प्लीज जो कुछ मैंने पिछली चार वीडियोस में डिस्कस किया है आप उन वीडियोस को देखें, समझें, तभी आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगेगी और जो कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी आप इजिली उन चीजों से रिलेट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको ये वीडियो मीनिंगलेस लगेगी, राइट। तो देखिए, ये सवाल सिलॉजिज्म रीजनिंग का बैंक एग्जाम 22 में आया हुआ है। तो क्या तरीका बताया था मैंने सवाल करने का कि सबसे पहले हमें कंक्लूजन पढ़ना होता है एक एक करके, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कंक्लूजन में है एनी, और एनी किसका सेकेंडरी कीवर्ड है, ऑल का। सिमिलरली और एटमोस्ट ऑल किसका सेकेंडरी कीवर्ड है, सम का। इन द सेम वे स्टेटमेंट में भी आप एनी को ऑल कर लीजिए और ईच को भी ऑल कर लीजिए। अब आप कंक्लूजन पढ़िए, हमें किसके बीच में कनेक्शन देखना है, ट्री और एरेगेंट। ट्री और एरेगेंट हमें कहाँ मिल रहा है, ट्री और एरेगेंट, ये दोनों स्टेटमेंट्स कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्शन की कंडीशन क्या है, पहली कि कॉमन टर्म आनी चाहिए, यस, टेबल कॉमन टर्म आ रही है, और किसी भी एक कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो होना चाहिए। तो यहाँ देखिए सम है और ये ऑल का स्टेटमेंट है तो पीछे सम होगा, यहाँ पे भी सम है, दैट मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट्स कनेक्ट नहीं हो सकते और कोई भी कंक्लूजन हमें एरेगेंट और ट्री के बीच में नहीं मिलेगा, सो दिस इज रॉन्ग। सिमिलरली फिर से दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, ट्री और एरेगेंट। ट्री और एरेगेंट के बीच में है, तो जैसे कि मैंने बताया कि जब स्टेटमेंट्स कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं तो कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब मैंने बताया था कि अगर कोई भी दो कंक्लूजन आपके रॉन्ग हो जाएं तो फौरन हमें क्या चेक करना होता है, क्या ये इधर और का केस तो नहीं बना रहे। तो इधर और की पहली कंडीशन ये है कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, यस, रॉन्ग है। उसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट सेम है। उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए, ये ऑल का स्टेटमेंट है, ये सम नॉट का। तो ऑल और सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो यस करेक्ट ऑप्शन होगा, इधर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलोज, राइट। अब देखिए आगे मैं जितने भी सवाल डिस्कस करूंगी ये सब SSC, CGL, CHSL, MTS में पूछे गए सवाल हैं। फिर से हमें क्या करना है, एक एक करके कंक्लूजन पढ़ना है। तो यहाँ देखिए पेन ड्राइव और लैपटॉप, तो आप देखिए लैपटॉप कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे, और पेन ड्राइव जो है वो दो जगह आ रहा है। तो लैपटॉप अगर इस वाले पेन ड्राइव से कनेक्ट करें तो क्या कॉमन टर्म आ रही है, नहीं आ रही, मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट नहीं हो सकते। अब अगर इस वाले लैपटॉप को इस पेन ड्राइव से कनेक्ट कराएं तो कंप्यूटर आ रहा है, यहाँ कीबोर्ड, तो यहाँ पे भी कोई कॉमन टर्म नहीं आ रही, तो कनेक्शन की पहली कंडीशन ही फेल हो रही है, दैट मीन्स पेन ड्राइव और लैपटॉप के बीच में कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा। सेकेंड पढ़िए, कीबोर्ड और कंप्यूटर, कीबोर्ड कहाँ आ रहा है, यहाँ, कंप्यूटर दो जगह आ रहा है, तो ये वाला कीबोर्ड अगर इस वाले कंप्यूटर से कनेक्ट होगा तो कॉमन टर्म यहाँ आ ही नहीं रही है, यहाँ लैपटॉप है, यहाँ पेन ड्राइव है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स कनेक्ट नहीं होंगे। सिमिलरली अगर ये वाला कीबोर्ड इस वाले कंप्यूटर से कनेक्ट करें तो यहाँ पे भी कॉमन टर्म नहीं आ रही है, दैट मीन्स कि ये कंक्लूजन भी नहीं होगा। थर्ड कंक्लूजन पढ़िए, हार्ड डिस्क और लैपटॉप, हार्ड डिस्क कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, और लैपटॉप कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, राइट। अब अगर ये वाला हार्ड डिस्क लैपटॉप से कनेक्ट करें तो कॉमन टर्म आनी चाहिए थी, तो ये वाला तो कनेक्ट नहीं हो सकते दोनों स्टेटमेंट्स।
अब ये वाला हार्ड डिस्क आप लैपटॉप से कनेक्ट करके देखिए, तो कॉमन टर्म हमें मिल रही है कंप्यूटर, और दूसरी कंडीशन क्या है कि किसी भी एक कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो आना चाहिए, तो येस यहाँ पर आ रहा है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स कनेक्ट हो गए। ये नो का स्टेटमेंट है, यहाँ पीछे नो होगा, ये ऑल है तो यहाँ पीछे सम होगा। तो देखिए, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो नेगेटिव कंक्लूजन मिलेगा, लेकिन ये सम वाला पॉजिटिव है, नो नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, तो एक ही कंक्लूजन मिलेगा, सम नॉट वाला, सम लैपटॉप्स आर नॉट हार्ड डिस्क। सो यहाँ पर ये नो लिखा हुआ है, तो ये भी कंक्लूजन नहीं होगा। अब देखिए, फोर्थ, पेन ड्राइव और कीबोर्ड। पेन ड्राइव और कीबोर्ड हमें इसी सेम स्टेटमेंट में मिल रहा है, तो देखिए पेन ड्राइव से कीबोर्ड चाहिए, तो नो को हम सम नॉट पढ़ सकते हैं, तो इसको सिर्फ एक ही तरह से पढ़ सकते हैं, पेन ड्राइव से कीबोर्ड की तरफ, सम पेन ड्राइव्स आर नॉट कीबोर्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ नया सा टर्म दिया है, ऑल नॉट, ऑल नॉट, तो हमेशा ध्यान रखिए, ये जो ऑल नॉट होता है इसका मतलब होता है सम नॉट, तो यस इसका यही मतलब निकल रहा है, सम पेन ड्राइव्स आर नॉट कीबोर्ड्स, यस, तो ये कंक्लूजन राइट होगा। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली कंक्लूजन फोर्थ फॉलोज। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंक्लूजन पढ़िए, स्टूडेंट और लिसनर के बीच में है, स्टूडेंट और लिसनर इसी सेम सेंटेंस में आ रहा है, राइट? तो यहाँ पे देखिए, सम स्टूडेंट्स आर लिसनर, और यहाँ पे भी सेम चीज लिखी हुई है, तो जो स्टेटमेंट होता है वो एज इट इज कंक्लूजन में नहीं हो सकता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, ऑब्जर्वर और स्टूडेंट, ऑब्जर्वर और स्टूडेंट इसी एक सेंटेंस में आ रहा है, तो मैनी को हम कहते हैं, ये सम का सेकेंडरी कीवर्ड है, तो ये हो जाएगा सम स्टूडेंट्स आर नॉट ऑब्जर्वर्स। अब जैसे कि मैंने बताया था कि सम नॉट वाले स्टेटमेंट को आप रिवर्स डायरेक्शन में कभी नहीं पढ़ सकते, तो ऑब्जर्वर से स्टूडेंट कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर से स्टूडेंट कंक्लूजन दिया था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड पढ़िए, ऑब्जर्वर्स और लिसनर्स इसी एक स्टेटमेंट में मिल रहा है, तो सम वाले स्टेटमेंट में पीछे सम होता है, तो हम इसे उल्टा पढ़ सकते हैं, सम ऑब्जर्वर्स आर लिसनर्स, तो यस सम ऑब्जर्वर्स आर लिसनर्स, सो दिस इज राइट, सो ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, राइट? यहाँ पे देखिए, जैस्मीन्स और हर्ब्स, जैस्मीन्स इसमें आ रहा है, हर्ब्स इसमें आ रहा है, क्या ये दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट हो सकते हैं? यस ये कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इस नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू होंगे। आप देखिए, ये नो का स्टेटमेंट है, पीछे नो होगा, तो प्लांट और प्लांट कॉमन टर्म है, और एक कॉमन टर्म के पीछे नो आ रहा है, तो यस ये कनेक्ट हो गया। सिमिलरली फ्लावर और फ्लावर कॉमन टर्म है, और यहाँ पे नो आ रहा है, और ये ऑल का स्टेटमेंट है, यहाँ सम आएगा, तो यस ये कनेक्ट हो गया, तो हमें मिल गया ऑल जैस्मीन्स, और ये सम वाला स्टेटमेंट है, तो पीछे सम होगा। और हमें ये मालूम है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट कनेक्ट हों एक नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू, तो हमें नेगेटिव कंक्लूजन ही मिलता है। अब यहाँ पे ऑल वाला पॉजिटिव और सम वाला पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है, तो सिर्फ एक ही कंक्लूजन मिलेगा, दैट इज सम नॉट वाला, राइट? तो हम पढ़ेंगे सम हर्ब्स आर नॉट जैस्मीन्स, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। अब सेकेंड पढ़िए, फ्लावर और हर्ब, फ्लावर और हर्ब कहाँ पे आ रहा है? हर्ब यहाँ पे आ रहा है, लेकिन फ्लावर दो जगह आ रहा है, तो ये किस वाले फ्लावर से कनेक्ट होगा जहाँ कॉमन टर्म मिल रही है? प्लांट, राइट? तो यहाँ पे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव है। देखिए, सम वाला पॉजिटिव जब नेगेटिव से कनेक्ट होता है, तो एक ही नेगेटिव कंक्लूजन मिलता है, सम नॉट वाला, दैट इज सम हर्ब्स आर नॉट फ्लावर्स, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा, तो गलत हो गया। अब देखिए, जैस्मीन और फ्लावर, जैस्मीन और फ्लावर एक ही स्टेटमेंट से हमें मिल जाएगा कंक्लूजन, लेकिन ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और यहाँ नेगेटिव कंक्लूजन मिल रहा है, मीन्स नो वाला स्टेटमेंट है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से सिर्फ पॉजिटिव ही कंक्लूजन मिलता है, नेगेटिव नहीं मिल सकता, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हमें क्या चीज़ ध्यान करनी होती है, कि जैसे ही दो कंक्लूजन्स अगर रॉन्ग आ रहे हैं, तो हमें ये सोचना है कि कहीं ये इधर और का केस तो नहीं बना रहे। यहाँ एक ऑप्शन है, इधर और फर्स्ट और सेकेंड के बीच में बन रहा है, फर्स्ट और सेकेंड, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है? रॉन्ग है, और सम जो है पॉजिटिव है, नो नेगेटिव है, तो सम और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं मिलके, यस। लेकिन यहाँ देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट तो सेम है और सब्जेक्ट अलग है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है सारे जैस्मीन फ्लावर्स हैं, ठीक है? तो अगर कुछ जैस्मीन्स हम लें, वो भी तो फ्लावर्स होंगे, तो जैस्मीन की जगह अगर आप फ्लावर्स कर दें, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है वो भी सेम हो जाएगा,
तो इधर और की दो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो यस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इधर कंक्लूजन वन और सेकंड फॉलोज। देखिए फिर से कबर्ड्स और रैक्स, कबर्ड यहाँ आ रहा है, रैक यहाँ आ रहा है, लेकिन कोई भी कॉमन टर्म हमें नहीं मिल रही है, तो इन दोनों को मिला के कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कनेक्शन ही नहीं हो रहा है इन स्टेटमेंट्स के बीच में, तो कबर्ड और रैक्स के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं होगा। सिमिलरली अब नेक्स्ट पढ़िए कबर्ड और डोर, कबर्ड यहाँ आ रहा है, डोर यहाँ आ रहा है, तो और डोर जो है यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। अगर कबर्ड को इस वाले डोर से कनेक्ट करेंगे तो कॉमन टर्म ही नहीं मिल रही, लेकिन इस वाले कबर्ड को जब डोर से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ कॉमन टर्म मिल रही है हमें विंडोज। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पीछे नो होगा और यहाँ पे सम होगा, तो कनेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये कनेक्ट हो गया। अब ऑल वाला ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव, अब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन देते हैं, लेकिन ये ऑल वाला पॉजिटिव जब नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो चार कंक्लूजन मिलते हैं, दो ऑल की तरफ से और दो नो की तरफ से। अब हमें क्या चाहिए, कबर्ड की तरफ से, तो नेगेटिव कंक्लूजन मिलेगा, तो ऑल को हम नो पढ़ सकते हैं, नो कबर्ड इज डोर, राइट, तो यही कंक्लूजन है, राइट। उसके बाद रैक और विंडो, रैक यहां पर है और विंडो यहां पे है, कॉमन टर्म आ रही है, लेकिन ये सिंस दोनों स्टेटमेंट ही नेगेटिव हैं, तो हम ये जानते हैं नेगेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट मिला के कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं देता, तो रैक और विंडो के बीच कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली सेकेंड फॉलोज, राइट। अब फिर से कंक्लूजन पढ़िए, हमें चाहिए डस्टबिन और वुड, वुड यहाँ आ रहा है, डस्टबिन यहाँ आ रहा है, क्या ये दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ तो कॉमन टर्म आ ही नहीं रही है, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इस नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे नो है तो पीछे नो होगा, राइट, तो स्टोन और स्टोन कॉमन टर्म है, ये इससे कनेक्ट हो गई, सिमिलरली प्लास्टिक और प्लास्टिक कनेक्ट हो गया, तो अब पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर नेगेटिव स्टेटमेंट से कनेक्ट होते हैं, तो देखिए अगर दोनों ऑल वाले स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट से कनेक्ट होते हैं तो चार नेगेटिव कंक्लूजन्स मिलते हैं, दो इस वाले ऑल की तरफ से और दो इस वाले ऑल की तरफ से। अब हमें चाहिए डस्टबिन से वुड, डस्टबिन से वुड, तो नेगेटिव कंक्लूजन के लिए ऑल को हम नो पढ़ सकते हैं, नो डस्टबिन इज वुड, राइट। सेकेंड कंक्लूजन पढ़िए प्लास्टिक और वुड, प्लास्टिक और वुड यहाँ आ रही है और कॉमन टर्म भी आ रही है और एक के पीछे नो भी आ रहा है, तो ये कनेक्ट हो गया, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट होके हमें ऑल वाला पॉजिटिव जब नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो चार नेगेटिव कंक्लूजन्स मिलते हैं, तो दो नो की तरफ से और दो ऑल की तरफ से, तो हमें क्या चाहिए प्लास्टिक से वुड, तो आप नो को पढ़ सकते हैं सम प्लास्टिक आर नॉट वुड, या फिर पढ़ सकते हैं नो प्लास्टिक इज वुड, तो यस सिंपल। थर्ड कंक्लूजन पढ़िए, यहाँ पर मे बी यूज हो रहा है और मे बी क्या होती है पॉसिबिलिटी होती है, राइट, पॉसिबिलिटी के केस में हम मे बी यूज करते हैं या कैन बी यूज करते हैं, तो यहाँ पे सम वुड्स मे बी डस्टबिन, हमें ये मालूम था कि कोई भी डस्टबिन वुड नहीं है, ये करेक्ट है कंक्लूजन, तो कुछ वुड्स डस्टबिन कैसे हो सकते हैं, जब कोई भी डस्टबिन वुड नहीं है तो कुछ वुड्स डस्टबिन कैसे हो सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई रॉन्ग, तो हमारा आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, राइट। यहाँ पे सबसे पहले कंक्लूजन पढ़िए के और बी, के और बी, बी दो जगह आ रहा है लेकिन के साथ जो टर्म आ रही है एस, तो कॉमन टर्म हमें एस यहाँ मिल रही है, दैट मीन्स यहाँ नो है, ये ऑल का स्टेटमेंट है, सम है, तो ये कनेक्ट हो जाएंगे इजिली, तो अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ऑल वाला और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो जब ऑल वाला पॉजिटिव नो के साथ कनेक्ट होता है तो चार कंक्लूजन्स मिलते हैं और चारों नेगेटिव होते हैं, राइट, तो यहाँ पर के से बी की तरफ दो नेगेटिव मिलेंगे, दैट इज ऑल को नेगेटिव हम बना सकते हैं नो करके, नो के आर बी, तो यस सिंपल। सेकंड देखिए टी और एस, टी यहाँ पे आ रहा है और एस यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आ रहा है, कॉमन टर्म हमें बी सिर्फ इन दोनों में मिल रही है, राइट, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर नो वाला स्टेटमेंट है तो पीछे नो होगा, तो ये कनेक्ट हो गई, और ये सम का स्टेटमेंट है तो पीछे सम होगा, अब सम वाला पॉजिटिव अगर नो वाले नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है तो एक कंक्लूजन मिलता है सम नॉट का, वो भी हम सम की तरफ से पढ़ते हैं, सम टी आर नॉट एस, राइट, तो यस सिंपल। अब देखिए टी और बी, टी और बी एक ही स्टेटमेंट में मिल रहा है, टी से बी पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, या पीछे सम है, सम टी आर बी,
नाउ फोर्थ वन इज बी और के. बी और के बीच पॉसिबिलिटी बतानी है सही है या नहीं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बी जो दो एलिमेंट्स पॉसिबिलिटी में होते हैं उनके बीच पहले डेफिनेट कंक्लूजन हमें निकालना पड़ता है. तो देखिए बी और के बीच में एक डेफिनेट कंक्लूजन यहाँ पर ये सही है, नो के आर बी. जब के जो है वो बी हो ही नहीं सकते तो क्या सारे बी के हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी है? नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है. हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डज नॉट फॉलो के टर्म में गिवन है तो कंक्लूजन फोर्थ डज नॉट फॉलो. कंक्लूजन पढ़िए बोर्ड्स और पैलेसेस. बोर्ड्स यहाँ आ रहा है, पैलेसेस यहाँ आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन हम कॉमन टर्म देखेंगे होटल्स हमें मिल रही है तो इन दोनों को कनेक्ट करवाइए. यहाँ सम है और ये ऑल का स्टेटमेंट है तो पीछे सम होगा, लेकिन कॉमन टर्म तो हमें मिल रही है होटल, लेकिन किसी भी एक कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे. ऑल या नो है ही नहीं, दैट मीन्स कि दोनों स्टेटमेंट जब कनेक्ट नहीं हो रहे तो कोई भी कंक्लूजन बोट और पैलेस के बीच में नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो गया. अगर आप थर्ड कंक्लूजन देखें तो ये भी बोट और पैलेस के बीच में है. जैसे कि मैंने बताया कि स्टेटमेंट कनेक्ट नहीं हो रहे तो कोई कंक्लूजन नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. अब देखिए मैंशंस और होटल्स के बीच में पॉसिबिलिटी बतानी है, तो हम पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? मैंने आपको पॉसिबिलिटी की वीडियो में बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं पॉसिबिलिटी में, सबसे पहले उनके बीच हमें डेफिनेट कंक्लूजन निकालना होता है. तो हमें कंक्लूजन निकालना है मेंशन से होटल के बीच, राइट. मेंशन और होटल कहाँ आ रहा है? यहाँ पर. यहाँ मेंशन और यहाँ होटल, कॉमन टर्म आ रही है और नो भी आ रहा है, दैट मीन्स ये कनेक्ट हो गए. अब ये नो वाला स्टेटमेंट है तो पीछे नो होगा और यहाँ पर सम है, तो सम वाला पॉजिटिव जब नो वाले नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो एक कंक्लूजन मिलता है सम नॉट का, और वो भी हम सम की तरफ से पढ़ते हैं, तो होगा सम होटल्स आर नॉट मेंशंस, ठीक है. लेकिन मेंशन से होटल कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होता उस केस में सारी पॉसिबिलिटीज करेक्ट हो जाती हैं, राइट. अब अगर दो डेफिनेट कंक्लूजन्स रॉन्ग आ जाएं तो फौरन से हमें ये सोचना है कि क्या ये इधर और का केस तो नहीं बना रहे. तो ये दोनों डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है. सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट सेम है, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव. तो सम और नो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं. तो यस कंक्लूजन वन और थ्री इधर और का केस बना रहे हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इधर वन और थ्री फॉलोज एंड कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी एंड इट्स सिंपल. यहाँ पे देखिए ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट्स हैं. तो जैसे कि मैंने बताया था कि ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट का क्या मतलब है, वो दो तरह का सेंसेस देता है, सम ए वन आर पी फाइव एंड सम ए वन आर नॉट पी फाइव. सिमिलरली ये भी ओनली अ फ्यू का स्टेटमेंट है, तो सम पी फाइव आर टी एट एंड सम पी फाइव आर नॉट टी एट. अब हमें कंक्लूजन किसके बीच में चाहिए? ए वन और टी एट. ए वन और टी एट मीन्स हम क्या करेंगे, पहले इस वाले सम को इस वाले सम के साथ कनेक्ट करके देखेंगे. तो हम देख रहे हैं कॉमन टर्म तो आ रही है पी फाइव पी फाइव, लेकिन ये सम का स्टेटमेंट है, पीछे सम होगा, तो किसी भी एक कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो होना चाहिए था. यहाँ पे भी सम है, यहाँ पे भी सम है, तो सम और सम वाला स्टेटमेंट कनेक्ट नहीं होगा. सिमिलरली ये वाला स्टेटमेंट अब इससे कनेक्ट करा के देखिए, तो आपको दिख रहा है यहाँ सम है, यहाँ सम है, फिर से कनेक्ट नहीं होगा, राइट. अब सम नॉट वाले स्टेटमेंट को इससे कनेक्ट करा के देखिए, तो सम नॉट वाला स्टेटमेंट जब इससे कनेक्ट होगा तो यहाँ पे सम है, यहाँ पे नो है, तो ये कनेक्ट तो हो रहा है, लेकिन सम वाले स्टेटमेंट में यहाँ सम होगा. तो मैंने आपको बताया था सम प्लस सम करके कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं देता, ठीक है. तो ये दोनों भी कोई भी कंक्लूजन नहीं देंगे. सिमिलरली ये वाला सम नॉट इसके साथ देखिए कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है. तो मैंने बताया था दो नेगेटिव स्टेटमेंट मिलके कोई भी कंक्लूजन नहीं देते, तो ये भी कनेक्ट नहीं होंगे. दैट मीन्स कि ए वन और टी एट के बीच में हमें कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा. अब ध्यान से देखिए यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कैन नेवर बी. कैन नेवर बी का क्या मतलब होता है? तो ध्यान रखिए जब भी कैन नॉट यूज होता है तो वो क्या होता है? पॉसिबिलिटी का केस. कैन नेवर का वर्ड डेफिनेट कंक्लूजन में यूज होता है. तो अगर आपसे कह दिया जाए सम ए कैन नेवर बी बी, तो इसका मतलब होगा सम ए आर नॉट बी, राइट. अब यहाँ पे ऑल पी फाइव कैन नेवर बी टी एट, इसका मतलब है ऑल ए आर नॉट टी एट.
और मैंने बताया था ऑल नॉट का मतलब होता है सिंपली सम नॉट, तो इसका मतलब ये है कि सम P5 आर नॉट T8। तो आप यहाँ से देखेंगे इस वाले स्टेटमेंट से हमें ये कंक्लूजन मिल रहा था सम P5 आर नॉट T8, तो ये वाला कंक्लूजन हो जाएगा सही और हमारा ऑप्शन होगा कि ओनली सेकेंड फॉलोज, राइट। ये फिर से ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब होगा सम लैप्स आर वॉचेस एंड सम लैप्स आर नॉट वॉचेस। पहला कंक्लूजन पढ़िए कैंस और लैप्स, कैंस और लैप्स, और कॉमन टर्म आ रही है वैन, और यहाँ पे एक के आगे ऑल आ रहा है, ये सम का स्टेटमेंट है, यहाँ पे सम होगा तो ये कनेक्ट तो हो गया, ठीक है, लेकिन ये ऑल का स्टेटमेंट है तो पीछे सम होगा, तो कैन से लैब हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा, सम कैंस आर लैप्स, राइट। अब देखिए वॉचेस और कैन, इनके बीच में हमें क्या निकालना है, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी कैसे निकालते हैं, पहले हमें ये देखना होगा कि वॉचेस से कैन कौन सा डेफिनेट कंक्लूजन बन रहा है। तो वॉचेस हमें कहाँ मिल रहा है, इस वाली टर्म में, और कैन हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि वॉचेस और कैन वाला स्टेटमेंट कनेक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि कनेक्शन की जो पहली कंडीशन है कि कॉमन टर्म होनी चाहिए वो है ही नहीं, यहाँ पे वैन है यहाँ पे लैब है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब भी कोई डेफिनेट कंक्लूजन ना बने उस केस में सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाती हैं, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी वॉचेस से कैन करेक्ट हो जाएगी, राइट। अब पढ़िए वैंस और वॉचेस, वैंस और वॉचेस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे वैन है और यहाँ पे वॉचेस है। सिमिलरली यहाँ पे तो कॉमन टर्म नहीं आ रही, लैब है यहाँ कैन है, एक वैन यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ वाला वैन यहाँ वाले वॉच से कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, एक कॉमन टर्म आ रहा है लैब्स। तो हम चेक करके देखते हैं क्या ये कनेक्ट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे कि सिंस ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट दो तरह से लिखा जाता है, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पहले ये वाला सेंटेंस इससे कनेक्ट करके देखेंगे। तो ये क्या है, सम लैब्स आर वैंस, इसको दोबारा इधर लिख लेते हैं। तो देखिए लैब और लैब कॉमन टर्म तो है, लेकिन किसी भी कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो नहीं आ रहा, तो ये और ये कनेक्ट नहीं होंगे, राइट। सिमिलरली अब ये वाला पार्ट मीन्स नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव से कनेक्ट करके देखिए, तो यहाँ पर भी ये सम लैब है, यहाँ पे भी सम लैब है, तो ये दोनों स्टेटमेंट भी कनेक्ट नहीं होंगे, तो हमें वैन और वॉचेस के बीच में कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन सॉरी यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, कैन बी, और कैन बी क्या होती है, पॉसिबिलिटी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन वॉच और वैन के बीच में नहीं मिल रहा, तो सारी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, राइट। तो आप लिखेंगे कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज। सबसे पहले हम कंक्लूजन पढ़ते हैं, तो देखिए कंक्लूजन 20 और 20 के बीच में है, दैट मीन्स कि हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करवाना पड़ेगा, और कनेक्शन के लिए कॉमन टर्म भी हमें मिल रही है, लेकिन हम जानते हैं कि ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं, सम बीज आर क्यूज, सम बीज आर नॉट क्यूज। सिमिलरली सम क्यूज आर वीज एंड सम क्यूज आर नॉट वीज। सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट देखिए, तो यहाँ सम है और ये सम का स्टेटमेंट है, तो पीछे सम होगा, लेकिन QS और QS कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी एक कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो नहीं आ रही है, तो ये कोई भी कंक्लूजन नहीं देगा। सिमिलरली अब यही वाला स्टेटमेंट जब नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो आप देख रहे हैं फिर से यही सिचुएशन है, यहाँ सम है यहाँ सम है, तो ये भी कोई कंक्लूजन नहीं देगा, क्योंकि स्टेटमेंट्स कनेक्ट नहीं हो सकते। अब ये वाला स्टेटमेंट को जब आप इसके पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सम है और यहाँ पर नॉट है, मीन्स नो है, तो ये कनेक्ट तो हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर सम का स्टेटमेंट है तो पीछे सम है, तो सम वाला स्टेटमेंट जब नेगेटिव से करेक्ट होता है, तो एक ही कंक्लूजन मिलता है, सम वीज आर नॉट बीज। सिर्फ सम नॉट वाला कंक्लूजन मिलता है, वो भी हम सम वाले एलिमेंट की तरफ से पढ़ते हैं। सिमिलरली अब ये वाला नेगेटिव जब इस वाले नेगेटिव से कनेक्ट होगा, तो हमें मालूम है कि नेगेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट मिलके कोई भी कंक्लूजन नहीं देते, तो यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा। तो हमें ये मालूम हुआ कि जब हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करेंगे, तो केवल एक ही कंक्लूजन हमें मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये कंक्लूजन इससे मैच नहीं कर रहा, दैट मीन्स इट इज रॉन्ग, राइट। अब फिर से यहाँ पे देखिए ऑल और कैन नेवर, कैन नेवर का मतलब होता है आर नॉट, ठीक है। अब ऑल नॉट मैंने जैसे कि पहले आपको बताया, ऑल नॉट का मतलब होता है सम नॉट, तो यहाँ पे कंक्लूजन में लिखा है कि सम क्यूज आर नॉट वी एस। अब देखिए इस वाले स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकलता है सम क्यूज आर नॉट वी एस, राइट। तो ये यही तो है, सम क्यूज आर नॉट वी एस, हमें यहां से मालूम हुआ, तो दैट मीन्स ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज।
सिंपल कंक्लूजन यहाँ पे ऑल कैन नेवर मीन्स आर नॉट है इसका मतलब, और इसका मतलब है सम पेंस, ऑल नॉट का मतलब होता है सम नॉट, तो ये हो गया सम पेंस आर नॉट क्रेयन्स। सब कुछ मैं इतनी डिटेल में आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए एटलीस्ट सम, ये किसका सेकेंडरी कीवर्ड है, सम का, तो ये हो गया सम क्रेयन्स आर पेंस, पेन और क्रेयन्स। दैट मीन्स यहाँ मार्कर्स कॉमन टर्म आ रही है, एक कॉमन टर्म के आगे ऑल आ रहा है, ये कनेक्ट हो गया। अब देखिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो सिर्फ और सिर्फ हमें पॉजिटिव कंक्लूजन ही मिलेगा, तो आप देखिए ऑल के स्टेटमेंट में पीछे सम होता है तो दो कंक्लूजन मिलेंगे, सम पेंस आर क्रेयन्स और सम क्रेयन्स आर पेंस। लेकिन नेगेटिव कंक्लूजन हमें नहीं मिल सकता, यहाँ पे ये नेगेटिव कंक्लूजन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सिमिलरली यहाँ पे देखिए क्रेयन्स और पेंस, क्रेयन्स और पेंस, क्रेयन्स से पेन पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सम क्रेयन्स आर पेंस, सम क्रेयन्स आर पेन, यस। दैट मीन्स ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। फिर से यहाँ पे देखिए ऑल कैन नेवर बी, दैट मीन्स ये सिंपली क्या है, ऑल नॉट, और ऑल नॉट होता है सम नॉट, तो ये है सम क्लासेस आर नॉट लेसन्स, ठीक है, दैट इज नेगेटिव कंक्लूजन है ये। तो आपको क्या चाहिए, क्लासेस और लेसन्स, क्लासेस और लेसन्स, क्या ये कनेक्ट हो सकते हैं, कॉमन टर्म तो मिल रही है लेकिन किसी भी एक कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो होना चाहिए, यहाँ सम है और ये सम का स्टेटमेंट है तो पीछे सम होगा, हमें ऑल या नो नहीं मिल रहा, दैट मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट्स कनेक्ट नहीं हो सकते, तो क्लासेस और लेसन्स के बीच में कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर आप देखिए थ्योरीज और क्लासेस, थ्योरीज और क्लासेस, ये पॉसिबिलिटी सही है या गलत। अब मैंने जैसे कि बताया पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए पहले उन दोनों एलिमेंट्स में डेफिनेट कंक्लूजन निकालना होता है, तो थ्योरीज और क्लासेस कहाँ आ रहा है, इसी स्टेटमेंट में आ रहा है, तो थ्योरीज से क्लासेस सिर्फ एक ही कंक्लूजन बनेगा, दैट इज सम थ्योरीज आर क्लासेस, राइट। और सम वाले डेफिनेट कंक्लूजन में दो पॉसिबिलिटीज सही होती हैं, पहली होती है ऑल वाली और दूसरी होती है सम नॉट वाली। यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखिए ऑल वाली है तो यस ये करेक्ट हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन होगा ओनली सेकंड फॉलोज। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से यही है ऑल कैन नेवर बी, और हमें मालूम है ऑल कैन नेवर बी होता है ऑल नॉट और ऑल नॉट होता है सम नॉट, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है सम बाउल्स आर नॉट यूटेंसिल्स, इसका मतलब यहाँ लिखा है सम बाउल्स आर नॉट यूटेंसिल्स, राइट। अब देखिए बाउल्स और यूटेंसिल्स, बाउल यहाँ आ रहा है और यूटेंसिल्स यहाँ, लेकिन कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, दैट मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट नहीं हो सकते, तो जब कनेक्ट नहीं हो सकते तो डेफिनेट कंक्लूजन भी नहीं मिलेगा बाउल्स और यूटेंसिल्स के बीच में, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये देखने की है कि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, अगर ये कनेक्ट हो भी जाते तो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन मिलता, लेकिन यहां पर ये नेगेटिव कंक्लूजन है तो दोनों तरह से ही अगर देखें तो ये कंक्लूजन हो जाएगा हमारा गलत। फिर से देखिए ऑल ग्लासेस कैन नेवर बी, फिर से ये कैन नेवर बी है तो इसका मतलब है सम ग्लासेस आर नॉट यूटेंसिल्स। अब ग्लासेस और यूटेंसिल्स कहां पे आ रहा है, यूटेंसिल यहां पे आ रहा है, ग्लासेस दो जगह आ रहा है, एक यहां एक यहां, लेकिन इस वाले ग्लासेस से कनेक्ट हम करेंगे क्योंकि कॉमन टर्म हमें मिल रही है प्लेट, और एक कॉमन टर्म के आगे ऑल है तो ये कनेक्ट हो गया, तो ग्लासेस से यूटेंसिल क्या मिलेगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव ही कंक्लूजन मिलेगा, यहां मिलेगा सम ग्लासेस आर यूटेंसिल्स, ठीक है, लेकिन यहां पे नेगेटिव कंक्लूजन गिवन है, दैट मींस ये भी गलत हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नीदर वन नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, राइट। सो इस वीडियो में बस इतने ही सवाल रखते हैं, अब तक मैंने जो भी सवाल कराए ये SSC CGL CHSL MTS में पूछे गए सवाल हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही और सवाल प्रैक्टिस करेंगे जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और देखेंगे कि कैसे हम बगैर वेन डायग्राम बनाए इसी तरह से सवालों को कर सकते हैं, राइट। सो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। मोर ओवर प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू स्टे इन टच विद मोर सच अपकमिंग अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।